Hi friends, welcome friends. Hello, drone tech doctor, myself Dr. Anshu Malhotra, and I am here to talk about drone tips, everything, legality, everything about the drones. So aaj hum baat karenge 5 behtareen shots for the cinematic looks in your drone shooting or drone videography. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बताने वाला हूँ 5 शॉट्स ऐसे जो कि आपको सिनेमैटिक शॉट्स लेना सिखाएंगे ड्रोन से, विद एग्जांपल्स आपको बताऊंगा कैसे लेने हैं जो मैं भी फॉलो करता हूँ। इन 5 शॉट्स को अगर आप करेंगे तो आपकी मूवीज में सिनेमैटिक लुक एक बहुत अच्छा लुक आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले शॉट से, जो कि नंबर 1 शॉट जो है टॉप शॉट, इसको मैं कहता हूँ टॉप शॉट। इसमें करना है कि आपको जैसे ये ड्रोन है, ड्रोन बेसिकली ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सपोज मेरा हैंड ऑब्जेक्ट है और ये ड्रोन आपने ये ग्राउंड लेवल पे है, तो इसके ऊपर रखना है आपने ड्रोन बिल्कुल फ्रंट फेस पे, कैमरा इसको फोकस करना है, इसके सामने गए और फिर जब ऊपर उसके सामने जाते जैसे ऊपर जाएंगे तो ये गिम्बल है आपको उसी पे रखना है, मतलब जो कैमरा है बंदे की तरफ फेस करेगा और बिल्कुल आराम से सीधा ऊपर ले जाना अप टू मैक्सिमम हाइट जो परमिसिबल है। तो मैं तो 400 फीट तक आराम से पहले ले जाता था इस शॉट को करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। और जब आप ऊपर जाएंगे कैमरा हमेशा जो ऑब्जेक्ट है नीचे उसका फेसिंग रहे, मतलब कैमरा डाउनवर्ड्स और ये आपने ऊपर ले जाना टॉप शॉट, और वो ऊपर ले जाने के बाद बिल्कुल स्मूथली करना, बीच में जर्क्स नहीं देने और फिर गिम्बल को बड़ी स्मूथली सामने की तरफ रखना है ताकि ऊपर का एरिया सारा दिखे। तो ये होता है टॉप शॉट। तो अब मैं दिखाता हूँ उसकी एग्जाम्पल, ये कैसा दिखता लगता है देखने में। तो ये था एक बेहतरीन शॉट जो काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सिनेमेटिक लुक देता है। सेकंड शॉट है 360 डिग्री शॉट। उसमें आपको करना क्या है, जैसे कुछ स्टेबली आपके कोई स्टेबल बिल्डिंग है ऊपर आप ले गए ड्रोन और ये सपोज बिल्डिंग है, तो इसके आजू बाजू आपने 360 डिग्री पे बहुत ही स्मूथली धीरे धीरे उसको घुमाना है, तो ये चारों तरफ का जब रिवील होगा तो बहुत अच्छा शॉट आता है। तो इसमें एक ऐसा जो मैविक एयर है और इसमें ऑटोमेटिक शॉट्स आते हैं तो वो भी आप मैनुअली कर सकते हैं, बट अगर आप ये ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं बट अगर आप ये मैनुअली करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो स्टार्टिंग में आप अगर आपको एक्सपीरियंस करना तो ऑटोमेटिक शॉट्स में जाके वो कर सकते हैं, उसमें अपने आप सेंटर ऑफ पॉइंट बना के अपने अभी उसके 4 चक्कर लगा लेता है, लेकिन मैनुअली करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो और अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो ये तो और भी उसमें ज़्यादा बढ़िया लगता है। अगर जैसे सपोज कोई बोट मूव कर रही है पानी में और आप जा रहे हैं, या कोई कार मूव कर रही है उसके आप 360 डिग्री उसको बना लिए तो बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन शॉट। दिस इज ऑल 360 डिग्री शॉट्स। और तीसरा जो बहुत ही जगह यूज़ होता है सिनेमैटिक सिनेमा में ड्रोन शॉट्स का, वो होता है फॉलो करना, चेज करना किसी को। तो उसमें ज़्यादा सिनेमैटिक लुक तब आता है जब आप उल्टा लेके जाते हैं ड्रोन। सपोज ये कार आ रही है यहाँ से और ये ड्रोन हमने लगा दिया है, इसको फेस कर रहा है और ये उसी स्पीड से पीछे पीछे जा रहा है, मतलब रिवर्स चेज कहते हैं इसको, और ये शॉट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो ये देखिए आप उसकी एग्जाम्पल। और इसे में उल्टा भी कर सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो आप उसको पीछे से चेस कर रहे हैं। तो ये होते हैं चेजिंग शॉट्स। तो उसके एग्जांपल्स आपने देखिए। चेजिंग शॉट्स के बाद एक बहुत ही बेहतरीन शॉट जिसको ड्रोनिंग कहा गया, ऑटोमेटिक शॉट्स इसमें आता है। उसमें क्या होता है, वो बिल्कुल पहले वाले शॉट की तरह से आपका बंदा फ्रंट में खड़ा है और आपने बिल्कुल उसके कैमरे की तरह उसके सामने ले गए कैमरा, उसके बाद आपने इसको 40 डिग्री पे ले जाना है और ऊपर ले जाना है बिल्कुल, मतलब यहाँ से शुरू किया था और ऐसे ले गए। अगर ये मैनुअली कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो होगा कि इसमें पहले आपको फ्रंट सीन दिखेगा बंदे का वहाँ खड़ा, उसके बाद बिल्कुल जैसे आप ऊपर ले जाएंगे उसकी पूरी सराउंडिंग्स दिखेंगी, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सिनेमेटिक शॉट्स।
एक और शॉट मैं आपको बताना भूल गया, वो होता है साइड वाला। साइड में ऐसा होता है जैसे ये गाड़ी जा रही है तो उसको साथ साथ आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे आ रहा है कार में उसके साथ करिए उसको बिल्कुल स्पीड में। और जब उस सीन को ख़त्म करना है तो आपने करना क्या है, सिनेमेटिक लुक के लिए अपना स्पीड स्लो कर लेनी है ताकि वो सीन से जो चीज़ है मूविंग वो निकल जाए। ये था साइड। तो ये है पांच बेहतरीन शॉट्स जो मैक्सिमम यूज़ किए जाते हैं मूवीज़ में और ड्रोन शॉट्स लेने में। तो अगर आपको ड्रोन फोटोग्राफी या इसमें इंटरेस्ट है तो आप यू कैन ट्राई दीज, जिससे आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छी फुटेज मिलेगी। स्टार्टिंग में आपको लगेगा थोड़ा प्रॉब्लम, बट धीरे धीरे जितना आप स्मूथ इसको कर पाएँ उतने आपके ड्रोन शॉट्स बेहतरीन आएंगे। तो ये थी एक टिप, जैसे काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप एक कुछ टिप्स वगैरह भी दीजिए। तो फ्रेंड्स, होप आपको पसंद आया वीडियो। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।